काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं दैट्स ग्रेट आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये आप जहाँ पे भी मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे है या कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे अगर शेयर कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट और ले जी स्टार्ट करते हैं तीन मिनट हो चुके हैं और हमारे स्केजल में होता है कि तीन मिनट के बाद हम लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं बिस्मिल मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफे है एंड आई हैव डन मई पी एच डी इन डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर और करेंटली आई एम वर्किंग इन जर्मनी और जर्मनी के अंदर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कील जर्मनी के अंदर एज ए पोस्ट ऑफ व काम कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे टीच भी कर रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर द थिंग इज आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपने थमनेल से देख ही लिया होगा कि आज जो हम काम करने वाले हैं दैट इज वेरी यूनिक इतना यूनिक है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसकी इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं व्हेन दे आर वर्किंग ऑन समथिंग और अगर आपको ये चार टॉपिक आते हैं जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वेब ऐप डेवलपमेंट है गिट एंड गिट टूल्स है वेब ऐप डिप्लॉयमेंट है ये चार टॉपिक आज हम देखने वाले हैं विद इन टू टू थ्री आवर्स और हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगे तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आज के लेक्चर के अंदर अगर आप इंटरेक्टिवली मेरे साथ काम करते जाएंगे तो दैट वुड बी ग्रेट अगर आप साथ में काम नहीं करेंगे इट्स फाइन बट यू कैन टेक दिस वीडियो होम और बाद में भी आप इस पर काम कर सकते हैं घर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको मैं घर ले जाने दूंगा ये वीडियो मतलब ये है कि ये लेक्चर आपके पास पड़ा रहेगा आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा आता है यहाँ पे क्योंकि हम इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है वट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहला क्वेश्चन आज का है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है हम में से काफी लोगों को पता है सिर्फ आपने फ्रेज करना है और आपको समझ आ जाएगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है नहीं हो नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको रिफाइन करके डिफाइन करके बता दूंगा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम द थिंग इज कि हमने इंटरेक्टिवली यहां पे चीजें सीखनी होती हैं इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है चलें कोई मसला नहीं है अगर आप में से काफी लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं हम प्रॉम्प्ट और फिर ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है आप आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी नाउ द थिंग इज के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है यहां से हम लेके स्टार्ट करने वाले हैं और आज का लेक्चर जो है वो इस तरीके से आगे चलेगा पहला पार्ट जो है हमारा जनाब दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो कभी कभी मेरे स्पेलिंग जो हैं वो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे और मेरी हैंड राइटिंग भी शायद आपको पसंद ना आए बट आई थिंक इस कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको प्रॉम्प्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे फिर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि उस प्रॉम्प्ट को बनाना कैसे है इतना जबरदस्त कैसे बनाना है कि वो पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट अच्छे तरीके से काम करे आपने आजकल नाम तो सुना होगा जो काफी ज्यादा टूल्स हमारे पास मौजूद हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एल एल एम्स कौन कौन से हैं इनको पहले देखते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर सबसे पहला टूल जो आजकल बहुत ही मशहूर है दैट इज चैट जीपीटी आपको पता होगा और चैट जीपीटी क्या है जनाब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स की बेस पे एक चैट बोर्ड बना हुआ है और ये चैट बोर्ड आप इससे कुछ बातें करते हैं आप अपनी रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको फिर रिस्पॉन्स देता है ठीक है रिस्पॉन्स और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का सिलसिला इतना जबरदस्त है कि आप कुछ भी पूछें वो आपको कुछ भी उठा के बता देते हैं प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग आज के दौर में इस एक टूल को अच्छे तरीके से यूज करना नहीं जानते अगर वो इसको टूल को यूज करना अच्छे तरीके से जान जाए बिलीव मी दे कैन बिल्ड अप बिग एप्स वो अच्छा खासा काम कर सकते हैं उनको प्रॉम्प्ट बनाने आ जाए मतलब ये कि कंप्यूटर से बात करने आ आगे दैट्स एक्चुअली द होल पार्ट और उसके बाद आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं इसकी मिसाल हम कैसे देते हैं चैट जीपीटी टूल है जो बहुत ज्यादा टेक्स्ट जितना भी दुनिया में टेक्स्ट मौजूद है उसकी ऊपर ट्रेन किया गया है। जितना भी करने के बाद ये जो है इतना फैला हुआ है दुनिया के अंदर मेनी टूल्स एक्सटेंशन एंड आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो इस एक मॉडल को यूज करके आपको कंप्यूटर से बातें करने के लिए एक चैटबोर्ड दे रहे हैं ठीक है और आपने चैट जीबीडी का इंटरफेस भी देखा आप क्या करते हैं आप एक मैसेज लिखते हैं मैसेज क्या करता है वो एक मॉडल के अंदर से गुजरता है मॉडल फिर आपको उसका आंसर देता है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग यानी कि जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है और ये इतना हैवी हो चुका है कि ये एक ह्यूमन को मिमिक कर रहा है अगर एक इंसान बैठा हुआ हो जिसको बहुत कुछ नॉलेज हो वो आपको जब आंसर देता है उसको ये मिमिक कर रहा है मतलब ये कि आप यही हिसाब लगा लें कि ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी है आज के दौर में वो सारी की सारी ह्यूमन को मिमिक कर रही है यानी कि जो ह्यूमन मैं यहाँ पे एक लफ्ज हिंदी का इस्तेमाल करूंगा ह्यूमन द्वारा किए गए काम जो थे उनको ये यूटिलाइज करके आपको टूल्स फ्राह्म कर रहे हैं अब होता क्या है कि जब आप मशीन से पूछते हैं इस बात है मशीन है ना एक कंप्यूटर है या एक एल्गोरिथम है या ऑनलाइन वेबसाइट है जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो वो आपको आंसर देता है ठीक है आप जैसा पूछते हैं वो वैसा आंसर देगा जैसा आप पूछेंगे अगर आप गंदे वाला पूछेंगे गंदे वाले से मुराद के टूटे फूटे अल्फाज के अंदर तो वो वैसे वाला बैड आंसर देगा यानी कि प्रॉपर आंसर नहीं देगा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पूछते हैं मैं अब ये भी नहीं कहूंगा कि लखनऊ स्टाइल के अंदर पूछें जनाबेम चैट मोहतरम चैट जीपीटी साहब आपसे दरख्वास्त है कि हमें एक वेब ऐप बनाने के लिए कोड फ्राह्म किया जाए अगर आप कोड फ्राहम करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी नहीं करना तो फिर भी आपकी जरा नवाजी ऐसा भी काम नहीं करना बिल्कुल कि हमने बिल्कुल लखनऊ स्टाइल के अंदर नहीं चले जाना समझ रहे हैं बात को हमने सिंपल रहना है और सिंपल सादगी के साथ चीजों को समझना है ठीक है तो इसके लिए जो हमारे पास एक रिक्वेस्ट हम भेजते हैं चैट जीपीटी को उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट ठीक है ये क्या होती है ये एक इनपुट है प्रॉम्प्ट इज एन इनपुट में एग्जाम्पल नहीं आ, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखता था. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि दिस इज एन इनपुट जो एक मॉडल को दी जाती है मॉडल यानी कि चैट जी पी टी को दी है इस तरह के और भी काफी मॉडल है और जिसमें आपके पास बार्ड है गूगल का लेमा है लेमा टू जिसे हम बोलते हैं दैट इज फ्रॉम मैटा ये गूगल का है ये हमारे पास मेटा का है और ये हमारे पास इसके बाद आ जाता है आपका जनाब देर आर मैनी अदर क्लाउड एंथ्रोपिक का क्लाउड ए आई ये देर आर मेरी अदर टूल्स और मैं आपको तीनों के बारे में बारी बारी, बारी बताने वाला हूँ ये एंथ्रोपिक है बाय द वे आज का जो सेशन है ये सिर्फ यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है जूम का लिंक किसी के पास नहीं है बिकॉज मेरे पास बैंड कम थी और मैं चाह रहा था कि इसे हाई क्वालिटी के अंदर आपको दिखाया जाए तो इस वजह से जो लोग बार बार लिंक मांग रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जरा लेक्चर पे गौर कर लें बाद में लिंक लिंक कर लीजिएगा ओके okay. सो so, ये हमारे पास तीन मॉडल्स अब हमने ये जो इनपुट बनाना है ना ये जितना बेहतर इनपुट होगा उतना बेहतर चैट जीपीटी आपको आंसर देगा ठीक है अब पिछले लेक्चर के अंदर यानी कि कल वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसके अंदर मैंने प्रॉपर वे में बताया कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस के अंदर इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एनएलपी जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि आप जब कंप्यूटर से बातें कर सकें कंप्यूटर आपसे बातें करे और बातें ही नहीं सिर्फ कंप्यूटर आइडियाज भी जनरेट करके आपको बताए यानी कि मशीन एक आइडियाज भी जनरेट करके बताए और यूजुअली चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स दीज डेज जो एनएलपी के ऊपर काम करके हमारे पास सामने आया अब होता क्या है चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी बना है एनएलपी के डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं उनकी बेस पे कल मैंने टर्म्स बढ़ाई है कुछ सोलह के करीब जो चैट जीपीटी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं उनमें से कुछ टर्म्स को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा फिर उसकी बेस पे हम प्रॉम्प्ट जो है वो बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपने बनानी है एक ऐप जो आज का हमारा बाय द वे टास्क भी है हमने वेब ऐप बनानी है ये होगी वेब ऐप मैं इसको ऐप लिखता हूँ पीछे इसके लिखता हूँ वेब वेब ऐप बनानी है और हमने बनानी है स्ट्रीमलेट को यूज करते हुए ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है और फिर हमने बनानी है अब आप देखिएगा आपको कोई कोडिंग का नहीं पता आप ये चला लेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट स्ट्रीमलेट को यूज करना है पाइथन के ऊपर यूज करना है और फिर हमने बताना है कि वेब ऐप जो हम बना रहे हैं उसका मकसद क्या है तो मैं सिंपली इसको कह देता हूं कि जी हमने ऐप बनानी है जो एक वर्ड क्लाउड बना के देगी ठीक है वर्ड क्लाउड किससे बनेगा यूजर एक पीडीएफ फाइल देगा ठीक है पीडीएफ फाइल अपलोड होगी उसका वर्ड क्लाउड बनेगा और उसका टेबल बन जाएगा कौन सा लफ्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफा आया है उसकी बेस पे उसके साइज के बेस पे हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे अब आप देखें मैंने चैट जीपीटी को अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने अपना आइडिया सारा लेआउट कर लिया ले डाउन कर लिया सॉरी मेरे पास अब कुछ चीजें आती हैं सामने इनको हम बोलते हैं की वर्ड्स की वर्ड क्या होते हैं तो मैं आपको यहां पे बताता हूं इनको अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू भी हम चला सकते हैं तो कीवर्ड्स हमारे पास हैं सबसे पहले तो वेब ऐप पहला कीवर्ड दूसरा कीवर्ड है स्ट्रीमलेट तीसरा कीवर्ड है पाइथॉन चौथा कीवर्ड है वर्ड क्लाउड पांचवा कीवर्ड है पीडीएफ छठा है टेबल और सातवां यहां पे अगर मैं एक और कीवर्ड लिखूं कोड ये हमारे पास सातवां कीवर्ड है अब यूजली जब हमारी जुबान के अंदर यानी कि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं कोई कम्युनिकेशन करते हैं आप की वर्ड्स को आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो सेंटेंसेस बन जाते हैं ऐसे होता है ना आप याद करें बचपन के अंदर आपने टेंसेस याद किए थे अब मुझे आप लोग क्या करेंगे आप इन की को यूटिलाइज करते हुए आपकी आज की पहली छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आप इन की को यूटिलाइज करें यूटिलाइज दीज की ड्स अगर मेरी लिखाई की ना समझ आए तो मेरी आवाज की आ रही होगी एंड आक अ प्रॉन्ट मेक आट जीपीटी हम क्या कर रहे हैं हम इन की वर्ड्स को यूज करेंगे ठीक है और चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्रॉम्ट इस प्रॉम्प्ट की बेस पे हमें कोड दें और जितने अच्छे तरीके से आप चैट जीपीटी से पूछेंगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको कोड फ्राह्म करेगा हाँ जी तो तैयार हैं सब लोग होपफुली आप तैयार होंगे सो so, यहां पे दो से तीन मिनट आपको दिए जाते हैं आप मुझे बताइएगा क्या आ गया अगर आपके पास ये प्रॉम्प्ट रेडी होता है तो आप चैट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं ठीक है बाय द वे बिंग जो है ए वो भी जीपीटी एलगुरिथ यूज कर रहा है अगर किसी को नहीं पता तो ओके अदर्स जी जनाब प्रॉम्प्ट बना रहे हैं आप लोग ओके दैट्स ग्रेट क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी पांच से सात सेकंड की डिले आती है इस वजह से मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं राइट right. हम इस प्रॉम्प्ट को फिर देखेंगे कि कौन कौन सी खसूसियात है इसके अंदर एंड देन वी विल सी कि ये प्रॉम्प्ट हमारा कैसे काम करता है ठीक है Meanwhile, आप इस पर जब प्रॉम्प्ट बना रहे हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूं यानी कि जब आप प्रॉम्प्ट एक डिजाइन कर रहे होते हैं कौन कौन से पार्ट्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है होपफुली आप उस पर फोकस भी कर रहे होंगे पार्ट्स प्रॉम्प्ट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से कर लिया जाता है सबसे पहले ये है सबसे पहला पार्ट है क्लियर प्रॉम्प्ट होना चाहिए नंबर वन इज मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं क्लैरिटी यानी कि क्लियर होना चाहिए आपका प्रॉम्प्ट के क्या चाहिए क्या ठीक है फिर आपने स्पेसिफिसिटी देनी है यानी कि स्पेसिफाई करना है कि किस चीज को की जरूरत आपको है क्लियर तरीके से पूछना और स्पेसिफिसिटी देंगे फिर आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या चाहिए देन यू हैव टू टेल योर इंटेंट इंटेंट इंडिकेट करें नंबर फाइव इज अवॉइड बाइसिस यानी कि आप खुद से ना प्रॉम्प्ट को सारा कुछ बता दें अवॉइड करें बाइसिस को ठीक है तो हो सकता है उसके पास कुछ कुछ अच्छा सोल्यूशन हो उस चीज का देन क्वेश्चन को टैग करें उसके अंदर क्वेश्चन टैगिंग कि आप जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो आपका प्रॉपर क्वेश्चन है भी कि नहीं ठीक है देन लेंथ पे थोड़ा सा देख के चलिएगा बिकॉज स एज लें आपके प्रॉम्प्ट की एंड रिस्पॉन्स की लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स बाई प्रॉम्प्ट इन दोनों पे भी जरा गौर किया जाएगा क्योंकि कुछ फ्री मॉडल्स ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टोकन देते हैं टोकन क्या होता है आपके जो वर्ड है जो वर्ड्स को आपस में तोड़ के बताया जाता है आपको ये टोकन कहलाते हैं ठीक है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं देखते वर्ड का हूँ आप इसको सिमिलर uh, माइनो में ले सकते हैं ठीक है और फिर आपने आठवें नंबर पे टोन बतानी है यानी कि स्टाइल टोन और स्टाइल के कि किस किस्म का स्टाइल रखना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं फॉर्मल या आप कह सकते हैं प्लेन स्टाइल एकेडमिक बोल सकते हैं अगर आप कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं लो कोड मोड लो कोड एक्सप्लेन कोड कोड विद कमेंट्स समथिंग लाइक दैट ठीक है इस तरीके से आप बात सक, कर सकते हैं उसके साथ देन आपके पास अगर पे जाए तो आपके पास डायरेक्ट कमांड भी देते हैं आप कभी कभी यानी कि आप कमांडिंग लहजे में बात करते हैं उसे कहते हैं कि यही चाहिए इससे इर्द गिर्द कुछ ना दिखाना ठीक है फिर आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है मतलब यह कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देने बैठ जानी कि मेरी मेरा बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये थी मेरा नाम ये मेरा चीज ये फलान चीज ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के बताओ तो मैं कैसा बनता दू ये काम भी नहीं करना क्योंकि ये सारे का सारा डेटा ट्रेन करने के लिए वो यूज भी कर रहे हैं सो so कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिल रही इफ संबर यू और यू आर प्रोवाइडिंग योरसन इन्फॉर्मेशन बिलीव मी आप नुकसान उठा सकते हैं फ्यूचर के अंदर तो वो आपको फिक्शनल करेक्टर बना के बताने लग जाएगा इलेवन पॉइंट इज एम अपना एम जरूर बताएं। तो कोशिश करें कि जब भी आप एक प्रॉम्प्ट बनाएं आप ये कुछ पार्ट्स उसके अंदर जरूर मेंशन करें सबसे पहला आपका क्लैरिटी जो मैंने आपको बताया क्लैरिटी सेकंड वन इज स्पेसिफिसिटी थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट फोर्थ वन इज इंटेंट बताएं कि करना क्या है अवॉइड स्पेसिफिक बहुत ज्यादा ना हो जाए कुछ लचक रखें क्वेश्चन को टैग करें अगर आप क्वेश्चन की वे में पूछ रहे हैं लेंथ जरूर उसको बताएं कि कंप्लीट कोड चाहिए कुछ कोड चाहिए लंबा आंसर चाहिए शॉर्ट आंसर चाहिए सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड देन यू हैव टू आस्क फॉर द टोन एंड स्टाइल आपने बताना है उसको एंड देन यू कैन से द डायरेक्ट कमांड कि मुझे बस ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं दिखाना देन सेफ्टी एंड देन एम एट द एंड तो आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें गलती के चांसेस कम होंगे यानी कि गलती कम होगी ये गलती लिखा है मैंने उर्दू के अंदर अगर किसी को उर्दू नहीं समझ आती सो ये गलती लिखा है मैं इसको बल्कि रोमन के अंदर ही लिख देता हूँ वो आपने सुना तो होगा ना दिल गलती कर बैठा है यहां से हम ये नहीं कह सकते प्रॉम्प्ट गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है प्रॉम्प्ट वो डोंट से दैट ठीक है तो होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी अब आपके सामने ये प्रॉम्प्ट जो है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जरा दोबारा से एक प्रॉम्प्ट बनाए एक चीज और अगर आप प्रॉम्प्ट को बता दें स्टार्ट में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको मैं टैरिक के साथ लिखता हूं रोल आप जीपीटी एल्गोरिथम को बताएं कि एक्ट एज अ डेवलपर एक्ट एज अ वेब डेवलपर एक्ट एज अ टीचर और द जीपीटी एल्गोरिथम टू डू ए जस्ट स्टार्ट विद होपफुली आपको इन बातों की समझ आ रही है अब जरा अगर आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना अपना आप खुद देखेंगे कि वो प्रॉम्प्ट और जो पहले प्रॉम्प्ट बनाया था उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा क्योंकि आपने बिल्कुल सादा प्रॉम्प्ट बनाया होगा लेकिन सादा प्रॉम्प्ट के साथ साथ थोड़ा सा आपको पता है ना सादा चीज़ तो कोई भी नहीं अच्छी लगती हमें बाय द वे। तो इस वजह से आप अगर प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा रिफाइंड वे में बना लेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है ठीक हो गया क्या ख्याल है आप लोगों के प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं मीन मैं यहां पे मैं दो मिनट आपको सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं ताकि आप प्रॉम्प्ट अच्छे वाले बना लें और फिर हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि आपको मेरे से कोड लेने की आज जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ इजी पीजी बहुत ईजी है बिलीव मी

देन द सेकेंड वन इज जिसका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा नहीं पता तो मैं बता देता हूं द सेकेंड वन इज पर प्लेक्सिटी पर प्लेक्सिटी को आप ओपन कर सकते हैं द थर्ड वन इज क्लाउड ए आई क्लाउड ए आई ये एंथ्रॉपिक का ये बाय द वे यूके यूएस के अंदर चलता है तो अगर आपके पास नहीं है ये और नहीं चल रहा आपके पास तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन Uh, और वहां पे अपना वीपीएन चला सकते हैं चौथा आपके सामने पोई डॉट कॉम है ये सबसे बेस्ट है इसमें सब कुछ ही आ जाता है जितने भी है सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ फ्री में है कुछ के आपको पैसे देने पड़ते हैं तो सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है सो लेमा टू भी है जो लेमा का है एंड सोन सो फोर्स एंड देन हमारे पास बिंग ए है बिंग ए जो है इसकी मैंने एक्सटेंशन की हुई है आप अगर एक्सटेंशन करना चाहें फाइन वरना आप आई को इस तरीके से चैट को ओपन कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन जो फ्री में आपको देते हैं ठीक है परप्लेक्सिटी भी मैंने बता दिया एंड इसके बाद परप्लेक्सिटी लैब्स भी है जिसके अंदर लेमा टू डायरेक्टली चलते हैं सो देर आर मेनी एल एल मॉडल्स और उनके चैट बोर्ड जो अवेलेबल है ऑनलाइन बट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द पावर ऑफ चैट GPT, टी परप्लेक्सिटी एंड क्लाउड अगर पोए डॉट कॉम आपके पास है आप इस पर अपनी आई डी बना लें डायरेक्टली और यहां से आप कोई भी चूज करके उसको रन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लाउड टू टू हंड्रेड के कोई चूज करता हूँ तो वो कहता है कि लिमिटेड एक्सेस है तो देर आर मेनी मॉडल जिनके एक्सेस आपके पास लिमिटेड है अदरवाइज यू कैन यूज दैट गूगल का पाम भी है यहाँ पे बाय द वे बार्ड भी आप यूज कर सकते हैं देर आर मेनी अदर्स ठीक है सो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ कि आप इनको सिमिलरली अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अब हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे और उस प्रॉम्प्ट को तीनों जगहों पे लिखेंगे ठीक है सो मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूं मैं मेरा जो प्रॉम्प्ट है कोशिश करते हैं कि आप भी मुझे बताइएगा लेकिन मैं भी साथ में बनाता हूँ आपके सामने बैठी बातें नहीं कर रही सो होप फुली आप भी मुझे इम्प्रूव करने के प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करने के जो है वो तरीके अगर यहाँ पे बताएंगे एंड देन वी विल सेट टूगेदर के किस तरीके से हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो चल रहा है तैयार है जी चलें जी रेडी करते हैं इस चीज को सबसे पहले हमने कहना है अच्छा मेरे प्रॉन्ट लिखने का तरीका डिफरेंट है हे चैट जीपीटी एक्ट ए वेब एप्लीकेशन डेवलपर ठीक है अब आप चेक करें मैंने वेब एप्लीकेशन डेवलपर जब लिखना है डी बड़ा कर देना उसकी वजह क्या है क्योंकि देर आर सम नेम एंटिटी जो इसको यूटिलाइज करते हैं और आपका प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छे तरीके से आपके सामने आ जाता है डिवेलपर का डी मैंने बड़ा लिखा छोटा भी लिखेंगे इट्स मैटर लेकिन मुझे पता है कि एन के अंदर आप जब uh, कोई एंटिटी नेम या रिकग्निशन लिखते हैं तो नाउन प्रोनाउन वगैरह को आप बड़े वाला uh, जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लें दैट वुड बी फाइन ठीक है डिवेल्पर आई वुड लाइक टू Act as a developer. Act as a web application developer. Okay? Write a complete code for me in Python using important Python libraries to make a web application.

एप्लीकेशन चलेगा एम सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं द दुट वुड लाइक टू मेक इज एज फॉलोस एम ऑफ द ठीक है तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेक द मेन एम इज टू बिल्ड ए बिल्ड एन एप वेयर अ यूजर विल अपलोड a document in the form of docx docx dot pdf dot txt txt and any other document format form of this and, or एंड और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये यूजर अपलोड करेगा एंड फॉर्मेट द यूजर विल गेट ए वर्ड क्लाउड फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट सिंपली ठीक है अब दूसरा अगर आप एम के बाद स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो इट्स फाइन अदरवाइज इट्स इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इसे लिखता हूं पहला स्टेप जो मेरा जो दूसरा यहां पे बन रहा है उसको मैं बता सकता हूं या मैं इसको फॉलो दिस वर्क फ्लो आप यहां पे वर्क फ्लो से बता सकते हैं तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं फॉलो दिस वर्क फ्लो मैं पहले बताऊंगा टाइटल of the app is Sardi, Word ऑफ द एप इज साउड दान बुझके पंजाबी में लिख रहा हूं जस्ट टू सी कुछ होता है या नहीं होता ठीक है तो वो इसको एज इट इज यूज करेगा कोटेशन मार्क्स का मतलब ये एज इट इज इसको लिखेगा यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ नेम ठीक है तो मैंने जान बुझ के ये दी है सेकेंड वन इज हम बताएंगे उसको आस्क द यूजर टू अपलोड अ फाइल और फाइल ठीक है बाद में एड करूंगा पहले हम ऐप को पहले बना लेते हैं आज द यूजर टू अपलोड अ फाइल मेक अ वर्ड क्लाउड फ्रॉम दैट फाइल नंबर फोर मेक अ टेबल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड यानी कि उस पूरी फाइल में हर वर्ड कितनी दफा आ रहा है सोर्टिंग इट इंटू डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है एंड प्रिंट द टेबल राइट नंबर फाइव अच्छा वर्ड क्लाउड जब बनाते हैं ना उसमें एक टर्म यूज होती है स्टॉप वर्ड और ये एनएलपी की टर्म है बाय द वे और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दू तो देअर आर समर्ड्स जो स्टॉप वर्ड होते हैं जिनकी खासियत इतनी ज्यादा नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है हर डॉक्यूमेंट के अंदर द इज एम आर इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो हम उनको मिनिमाइज करेंगे तो हम यहां पे कहेंगे डू नॉट यूज स्टॉप वर्ड्स इनसाइड वर्ड क्लाउड ठीक है एंड प्रोवाइड अ बॉक्स टू एक्टिवेट दिस ऑप्शन सही है अब ये तो हमने बना लिया और जब हम इस ऐप को बना रहे होंगे कुछ वर्ड ऐसे भी रह जाते हैं जो बार बार आते हैं लेकिन वो स्टॉप वर्ड नहीं लेकिन उनका मकसद भी कोई नहीं है तो उनको बोला जाता है कोई भी एडिशनल तो मैं यहां पर कहूंगा आस्क ओके यूजर टू एड एडिशनल स्टॉप वर्ड एंड क्लाउने यूजर का भी एड कर दिया यूजर साहब से पूछ लेना क्या करना देन एट द्वार आई विल से यहां पर ऐसा कर देते आज द यूजर टू अपलोड अ सिंगल और मल्टीपल फाइल्स ताकि मल्टीपल फाइल्स वाला भी काम हमारा ठीक से चले ठीक है इस वजह से मैंने मल्टीपल किया खैर अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे द टॉप वर्ड्स मैंने बोल दिया और उसमें से मैंने बोला कि स्टॉप वर्ड लेके उन्हें रिमूव कर दे ठीक है प्रिंट अ टेबल इन वो हमने पहले टेबल को प्रिंट कर दिया तो हम क्या करेंगे ये जो सीक्वेंस है हमारी टेबल की और वर्ड क्लाउड की ये इससे पहले इन दोनों को ले जाते हैं मतलब ये कि मैं ये वाली चीज कट करके क्योंकि सीक्वेंस खराब लग रही है वर्ड क्लाउड तो हमने बाद में बनाना है ना पहले तो हमने यहाँ पे डू नॉट कर दिया और इसके बाद स्टॉप वर्ड्स को पहले रिमूव करते हैं फिर हम बनाते हैं वर्ड क्लाउड ठीक है डू नॉट यूज द स्टॉप वर्ड मैं इसको फोर कर देता हूँ इसको फाइव कर देता हूँ यस नाउ इट्स फाइन ठीक है अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया नंबर फाइव पर मैं कहता हूँ at the end give me options to add my social media accounts show me complete code for this app please do not produce errors

डॉट कॉम के अंदर मैं यहाँ से कोई और मॉडल ले लेता हूँ क्योंकि हमने जी टी फोर कर लिया है मैं लेमा टू ले लेता हूँ यहाँ से वहाँ पर कहाँ पे गया लेमा टू लेमा टू 70B बी इसको ले लेता हूँ लेट मी सी लेमा टू नहीं चल रहा जी सो मे बी वी कैन टेक अनदर वन लेमा टू सेवनटी सेवन बी सेवन बी चल रहा है थर्टीन क्यों नहीं चल रहा चल बड़ा ये मैं इसको रन करता हूं परफ्लेक्सिटी के अंदर ये पेस्ट करते हैं एंड बिंग ए के अंदर भी पेस्ट करते हैं और बिंग ए प्रिसाइज के ऊपर मैं क्लिक करके पेस्ट करता हूँ ताकि मेरे पास इसका आंसर है। लेमा फिर पे भी चल रहा है तो इसको चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लेमा पहले ही खैर चले इसमें एक रिफाइंड वर्जन है कोडिंग का ये मैंने चार पांच जगहों पे सेम चीज चला दी है एंड यू विल सी के प्रॉम्प्ट के बाद सारी ऐप का कोड आपके पास है भाई यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग और जो जो मैंने बताया है सेम उसने वैसे वैसे इसको ऐड किया होगा ठीक है एंड हेयर यू कैन सी द होल ऐप इज ठीक है अब मैं क्या करता हूं इस ऐप आप को आपके सामने चलाते हैं फिर इस पे देखते हैं कि हमारे पास ये ऐप चलती है या नहीं चलती अगर कोई एरर देती है तो एरर क्यों आ रहा है और इस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है आपके पास अगर कोड आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा ये कोड आपके सामने हाजिर है और ये कोड आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा आफ्टरवर्ड्स लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू क्रिएट एन ऐप ठीक है ओके मैं अब क्या करता ऐप बनाने का तरीका क्या है आपको बता देता हूं ये कोड यहां से कॉपी करना है बाद इसने जो इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं उनको आपने देखना है so so आपकी लाइब्रेरीज एक्सेट्रा है तो आपने वो देखनी है एंड देन व टू गो टू समेर वेयर यू कैन रन द कोड तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी वी एस कोड की वी एस कोड में जाने के बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पे एक ऐप बनानी है ठीक है मैं इसमें बना लेता हूँ जनाब वर्ड क्लाउड ऐप इसका मैंने बनाया फोल्डर फोल्डर हमेशा आपने पहले बनाना है उसके अंदर आपने ऐप बनानी है मैं नाम लिख देता हूँ एप डॉट पाई

यहां से हमने स्ट्रीमलेट का इन्वायरमेंट बनाया अब जो सॉरी एक्टिवेट किया एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे अब हम आ, यहां से अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे आपने कमांड प्रॉम्प्ट का ओपन करना है मेरे पास मैकबुक है तो इस वजह से मैंने सर्च किया हुआ है है आपने कमांड प्रॉम्प्ट का करना और आप यहां पे देख रहे होंगे कि आपके पास कुछ चीजें जो हैं वो इंस्टॉल नहीं है मैंने वर्ड क्लाउड भी इंस्टॉल किया हुआ है स्ट्रीमलेट भी इंस्टॉल की हुई है नहीं है क्योंकि वो लाइन आ रही है मैं यहाँ पे पहले अपना इनवायरमेंट एक्टिवेट करके लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पीडीएफ माइनर और मैं इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ एंड इट्स रनिंग लाइक दैट जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी देन सी इसको आगे कैसे मूव करना है ये जी हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से आ गया और अब हम क्या करते हैं मैं सो उस फोल्डर में हम जाएंगे सी करके चेंज डायरेक्टरी करके जहां पे ये फाइल पड़ी है तो मैं यहां पे सी डी वर्ड क्लाउड ऐप करके वहां पे चला गया ठीक है एंड नाउ वी नो दैट यहां पे हमारे पास एप डॉट पाई पड़ी है मैंने इसे सेव किया हुआ अब मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रीम लिट रन एप डॉट पाई ये मैंने कोड लिखा मैंने इसको रन किया एंड सी कि अगर ये ठीक तरीके से काम कर रही होगी इट विली वरना ये एरर दे देगी अभी यहां पे हमारे पास एरर आया नो मोड्यूल पीडीएफ माइनर और हाई लेवल ये वाला मॉड्यूल हमारे पास नहीं है ये आपके सामने एरर आ रहा होगा मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही एरर को कॉपी करता हूँ बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन पिप इंस्टॉल PDF minor .high level तो लिखना नहीं चाहिए बट वी विल ट्राई लाइक पीडीएफ माइनर जो हमने पहले कर लिया है तो ये एर क्यों दे रहा है तो मैं यहां पर दोबारा से इसे रन करता हूँ स्ट्रीमलेट रन एप डॉट पाई करके और अगर दोबारा से ये एरर आती है देन वी विल कॉपी दिस थिंग और इसको पेस्ट कर लेंगे अपने प्रॉम्प्ट के पास कि यार ये देखो एरर आई है और इसको रिजॉल्व करके दो मैं आपको दिखाता हूं कि हो क्या रहा है आपके साथ ये हमारे पास इस तरीके से ऐप बन के आ रही है ठीक है और यहां पे ये एरर आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड दिस वन मैं इसको कॉपी करता हूं कॉपी करने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं इसने अब क्या करना है इसने बल्कि हमें बताया हुआ है कि पीडीएफ माइनर डॉट सिक्स को इंस्टॉल कर लें उसने ये सारी लाइब्रेरी पहले से बताई हैं आई आई इग्नोर दैट तो मैं इसको कॉपी करता एंड वापस गो कोड कोड पे जाने के बाद यहां पे नीचे जो उसने स्क्रिप्ट दिया था उसे रन करता हूँ मुझे पहले कर लेना चाहिए था उसको देख के मैंने नहीं देखा दैट वॉज माई मिस्टेक नॉट फ्रॉम चैट जी पी टी तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप करके मैं पूरी की पूरी कमांड को रन करता हूँ तो मेरे पास जो चीजें इंस्टॉल दैट्स फाइन जो नहीं इंस्टॉल वो इंस्टॉल हो जाएंगे एंड नाउ होपफुली इट विल रन इजीली एंड हियर यू गो द फाइल इज़ रनिंग चेक कीजिएगा ये देखें जनाब आपके सामने एक ऐप पूरी बन गई है और ऐप का नाम है क्लाउड दी क्लाउड ठीक है सो so, इसका मतलब है जो कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है वो एज इट इज आता है सही हो गया अब आप चेक करें इन चीजों को कि यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने जो चीजें लिखी थी वो एज इट इज आ गई अब ये पूरी ऐप हमारे पास बन गई है इस ऐप के अंदर अब टेस्ट भी तो करना है ना तो मैं कहीं फोल्डर से उठाता हूँ अपने पास पीडीएफ फाइल्स मेरे पास कुछ पड़ी हुई है लेट मी सी कहां पे हैं सो आई विल रन दोस जस्ट अ मिनट यस ये मेरे पास एक फाइल है मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे लगा दिया अब चेक कीजिएगा अब ये कुछ वार्निंग्स दे रहे है, अगर आपने ये वार्निंग को डेप्रिसिएट करना है तो आप ये वाला कोड उठाएं उठा के ना बिल्कुल स्टार्ट में पेस्ट कर दें अपने कोड के तो ये वार्निंग्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी मैंने उसको किया अभी पेस्ट लेट्स सी ये वार्निंग हमारी रिमूव होती है कि नहीं होती मैं इसको ऑलवेज री रन पे क्लिक करता हूँ एंड वो वार्निंग्स रिमूव हो गई है यहां तक क्लियर होगी बात अब देखिएगा यहां पे मैंने आपको बोला था हमने फाइल अपलोड की ये वर्ड क्लाउड बन के आ गया वर्ड क्लाउड का मतलब होता है कौन सी चीज इस पूरे वर्ड की फाइल के अंदर या सॉरी वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ की फाइल के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुई है ठीक है सबसे ज्यादा ये कीवर्ड यूज हुआ है जैसे मैं रिमूव स्टॉप वर्ड पे क्लिक करूंगा ना यू विल सी चेंज चेक करें जितने स्टॉप वर्ड थे ना दा दी इधर उधर के वो सारे निकल जाएंगे ये मैंने इस वजह से चेक बटन रखा है ताकि आपको वो सारी चीजें नजर आए यहां पे ठीक है so, सो मैं इसको एक्टिवेट करता हूं एक्टिवेट करते ही वो सारी की सारी चीजें रिमूव होगी एंड देन यू कैन यूज एडिशनल वर्ड मतलब एट ऑल मुझे पता है सबसे ज्यादा यूज होता है मैंने वो भी निकाल दिया ये भी ये जितने फजूल वर्ड्स है ना जिनका कोई मकसद नहीं है मैं वो निकाल रहा हूं सही है इस वजह से मैंने एडिशनल स्टॉप वर्ड्स की कमांड वहां पे यूज की थी स्टॉप वर्ड का मतलब है कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनका कोई फायदा नहीं है हमें इनसाइड द टेक्स्ट मैंने जैसे ये यूज की है रनिंग के अंदर अब जो डिफरेंट चीजें हमारे पास इस तरीके से आ रही हैं ऑब्वियसली अभी भी यहाँ पे काफी वर्ड्स होंगे जो मैंने नहीं रखे मैंने लिमिट 50 की रखी थी आप इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं सो एट और सेपरेट आ रहा है इकट्ठा नहीं आ रहा सो यू नो दैट दीज थिंग्स आर देयर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है सबसे ज्यादा एट ऑल यूज हो रहा है और ये टोटल ऐप मैंने नहीं बनाई ये चैट जीपीटी ने बना के दी है एंड एट द एंड आप देखेंगे कि हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है वर्ड्स की अगर आप चाहें तो इसको हेड करके भी पेस्ट कर सकते हैं या नंबर बता सकते हैं कि कितनी पेस्ट करनी है और अगर आप चाहें तो इसकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं Connect with me में उसने खाली छोड़ दिया. आप अपने लिंक दे सकते हैं सोशल मीडिया का और दूसरा तीसरा लिंक जो भी आपके पास हमारे पास अपने पीसी के ऊपर चल रही है अब चीज ये है कि ये सिंगल फाइल तो चल पड़ी मैं अब दो तीन फाइल्स देखता हूं अगर ये भी चलती अगर ना चलें तीन फाइल्स मैंने रन की मल्टीपल पीडीएफ भी आप इसमें डाल सकते हैं तो वो लोग जो थीसिस लिख रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की साबित होने वाली है अगर उनके पास ये ऐप नहीं है देन आई कैन प्रोवाइड देम दिस ऐप और वो बाद में से यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है सो so, इससे पता चलेगा जो हमारा एग्जैक्ट की वर्ड है वो कितनी दफा आपके पीडीएफ फाइल्स के अंदर आ रहा है अगर फाइल ज्यादा होंगी इट विल टेक मोर टाइम सही है तो ये ऐप मैं डिप्लॉय भी करने वाला हूं अभी थोड़ी देर के अंदर और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डिप्लॉय होती है ठीक हो गया जी यहां तक क्लियर होगी बात आपको ओके अब मैं जाता हूं कोड के ऊपर ये मैंने स्टार्ट में एक लाइन पेस्ट की थी जिससे मैंने एरर्स को रिमूव किया था और ये एरर डेप्रिसिएशन की होती है कि कौन सी चीज हमारे पास आ रही है अच्छा अब अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो आपकी ऐप बनी है ये इतना अच्छा क्वालिटी का काम करे आप चेक करें अगर मैं इसको कंप्लीट ओपन करता हूं तो ये ब्लर ब्लर नहीं आ रहा थोड़ा सा अगर आप गौर करें आ रहा है ना ब्लर ब्लर एग्जैक्टली आ रहा है तो अगर मैं यहां पे लिखूं मैं ये एरर वाले प्रॉम्प्ट में लिखता हूं क्योंकि ये मैंने गलती से लिख दिया तो मैं यहां पे लिखता हूं एड एन अदर फंक्शन इन द साइड बार टू सेलेक्ट द Size of word cloud plot and also add the option to save word cloud in PNG, JPEG, or SVG file and ask the user to input the Resolution of image. ये मैंने कुछ और लिखा यहाँ पे कि यार ये क्लाउड की फाइल जो है word cloud की रन तो करता हूँ और यहाँ पे आप, आप देखेंगे कि ये मुझे बताएगा कि कहाँ पे किस तरीके से आप कोड add कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें मल्टीपल आप add कर सकते हैं ठीक है एंड यू कैन डू इट वेरी easily आपने कुछ भी नहीं करना सिर्फ वो जो एक लाइन डाली थी आपने वही लगानी है अदर थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली आप देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि भाई ये भी कर दो एट द एंड इट विल बी डूइंग बाई सेल्फ ठीक है सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐप कमाल हो सकती है ये अभी लोकल होस्ट पे चल रही है थोड़ा सा इंतजार करें मैं वही बताने वाला हूँ और मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसे आप डिप्लॉय करेंगे और ये ऐप कोई भी बंदा दुनिया में कहीं पे भी बैठा लिंक के थ्रू यूज कर पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग ठीक है उसका प्रोसीजर मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं और मैंने यकीन मैंने कोडिंग जीरो की आपके सामने कोई कोडिंग नहीं की मैंने ठीक है इंस्टॉलेशन के वो बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और आप चेक कर लें सेम कोड बार बार खुद ब खुद लिखा जा रहा है मैं इस कोड को कॉपी करूंगा एट द एंड एंड देन आई विल बी पुटिंग दैट थिंग इन टू कोड बटन सॉरी वी एस कोड और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये Uh, हमारी जो फाइल है वो चलती है और ये कोड आपको फ्री में अवेलेबल होगा जब मैं आपको अपलोड करूंगा सो एनी कैन यूज दिस कोड फॉर हिज और हर पोर्टफोलियो एज वेल पोर्टफोलियो क्या होता है आप जब लोगों को बताते हैं कि मुझे ये आता है वो पूछते हैं अभी कहाँ पे किया है तो आप दिखा सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे किया है ठीक है ओके और एट द एंड मैं आपको लाइब्रेरीज भी बताने वाला हूँ कौन कौन सी यहाँ पे पेस्ट करनी मैं इसको पूरे के पूरी ऐप का कोड कॉपी किया अगेन वी कोड में जाके अब आपने एक चीज का ख्याल करना है वो क्या ख्याल है ये वाली लाइन नहीं आपने भूलनी ये जो लाइन है ना ये नहीं भूलनी ये जो लिखी हुई है ठीक है सो मैं क्या करता हूं इसके बाद सारा कुछ पेस्ट कर रहा ये लाइन क्यों क्योंकि ये एरर को बचा रही थी तो खैर मैं इसको यहां पे ले आता हूं एंड देन आई विल री रन द ऐप और मैं सिर्फ रिफ्रेश ही करता हूं तो हमारी जो ऐप है वो दोबारा से चल पड़ेगी मैं आपको दिखाता हूं अब ऐप क्या कर रही है ये चेक करें जनाब वही ऐप है अब यहाँ पे विथ ऑफ द वर्ड क्लाउड हाइट ऑफ द वर्ड क्लाउड रेजोल्यूशन इन डीपी और यहां पे आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसमें सेव हो जाएगी अब जरा क्वालिटी चेक करें अपने प्लॉट की पहले ब्लर था अब तो नहीं ब्लर आ रहा क्या आ रहा है अभी भी ब्लर अब ये हाई क्वालिटी में आ रहा है और आप चेक करें जैसे आप इसका साइज बढ़ाते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसे करता हूं नाइनटीन ट्वेंटी समथिंग लाइक दिस चेक कीजिएगा थोड़ा टाइम लेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये काम जो है ये मैंने साइज अच्छा खासा इसका बड़ा कर दिया आप चेक करें अब आपके पास वाइड एंगल के अंदर आ गया वर्ड क्लाउड ठीक है आप यहां पे क्लिक करके भी इसको सॉरी सेव कर सकते हैं और आप अब क्या कर सकते हैं रेजोल्यूशन अगर 300 सौ डीपीआई करनी है सो यू कैन डू दैट अब ये और भी ज्यादा टाइम लेगा टू क्रिएट दैट प्लॉट क्योंकि तीन पीडीएफ से बन रहे अब इसकी रेजोल्यूशन और भी हाई होगी बिकॉज वी आर यूजिंग थ्री हंड्रेड ठीक है रेजोल्यूशन जो है हमारे पास PNG पे मैंने क्लिक किया एंड एट द एंड हमारे पास ये जो टेबल बड़े वाला आ रहा है इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं बाद में और डाउनलोड वर्ड क्लाउड पे क्लिक करेंगे होपफुली ये हमें सेव करके दे देगा पूरे के पूरा वर्ड क्लाउड डाउनलोड वर्ड क्लाउड एज पी एन जी मैंने वो किया है जनाब ये मेरे really so, क्योंकि नीचे जो टेबल आ रहा है ना हमारे पास दैट इज रियली बिग टेबल जो वर्ड क्लाउड का टेबल है हम उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इसी से भी पूछ सकते हैं हम वर्ड क्लाउड के टेबल का के क्या करना है और देन हम उसको एड कर सकते हैं रिमूव स्टॉप वर्ड आ गया पे ये चीजें आ रही हैं, अपलोड फाइल आ गई डिफाइन रीड पी डी एफ क्लाउड आ गया फिगर आ गई वर्ड डॉट टेबल जो किया है ना यहाँ पे इसकी आप हाइट विड्थ भी कर सकते हैं और सिर्फ फिफ्टी भी कर सकते हैं इसको या टॉप टेन कर सकते हैं मैं इसको यहीं पे इसको टॉप टेन लिखता हूँ आप ये ऐप से पूछेंगे ना तो ऐप आप भी आपको बता देगी सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग जो इतने बड़ा टेबल आ रहा था ना एट द एंड वो सिर्फ आपका स्टार्ट में टॉप टेन आ जाएंगे ये चेक करें मैं आपको ऐप आप दिखाता हूँ जो मैंने काम किया है वो शायद आपको फिर समझ आ जाए ये यू गो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एक और तरीकाकार ये है कि एस टी डॉट टेबल की बजाय आप सिर्फ राइट कर दें उस डेटा फ्रेम को तो वो डेटा फ्रेम आपके पास आ जाएगा पहले ये टेबल बहुत बड़ा आता था, था अब सिर्फ छोटा आया तो आपने खुद बताना है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी वाले टॉप वाले कितने चाहिए ठीक है तो वो टॉप वाले आपको दे देगा यहाँ पे अब आप यहाँ पे अपने लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं और लिंक्स के बाद इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर ऑन पर्पजेज मैं यहाँ पे अपने लिंकड और ट्विटर और बाकी चीज़ों का लिंक ऐड करने है आपने सिर्फ क्या करना है यहाँ पे लिंक ऐड करने है ठीक है लिंकड इन का ट्विटर का और इंस्टाग्राम का तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी लिंकड इन ट्विटर और इंस्टाग्राम का या फेसबुक का अकाउंट जो है मैं ऐड करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है पहले तो मैं ट्विटर का ही कर लेता हूँ ये चेक कीजिएगा ये मेरा ट्विटर का अकाउंट है मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया कंट्रोल एस किया अब मैं आपको ऐप पे लेके जाता हूँ एंड यू विल सी हियर यू गो ये चेंज देखें जी, आपके पास अमार. तो, फैल, जो भी मेरी वो आ गए, तो आप इसको आइकन के साथ भी कर सकते हैं and you can also do in this way, जैसे मैंने किया था आप सिर्फ वहां पर टेक्स लिखे ट्विटर आई इससे फायदा क्या हो, <coughs> होगा होगा सॉरी फॉर दैट जितने लोग यूज करेंगे ना कम से कम आपको दुआएं तो देंगे बाकी बातें बाद की और अगर आपने दुआएं लेनी है सो इट्स गोइंग टू चेंज मैनी थिंग्स जैसे आप फाइल को रिमूव करते हैं सारी ऐप खाली हो जाती है और आप इस पर अपनी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं ठीक हो गया जी ये एक ऐप आप आपके सामने हाजिर थी अब मैं आपको दिखाने लगा हूं यही ऐप आप आपने डिप्लॉय कैसे करनी है तैयार हैं आप लोग या नहीं तैयार हैं आप लोग या नहीं फुली आप लोग तैयार होंगे हम में से कितने लोगों के पास गिट की आईडी बनी हुई है GitHub की आपने GitHub पे, जाने, पे जाने, और न्यू बनानी है, यहां पे ठीक है न्यू रेपोजिट्री बनानी है गिटहब पे जाना है गिटअप पे जाके न्यू रेपोजिट्री बनानी है गिटहब पे जाना है गिटहब पे जाने के बाद आपने पे क्लिक करना है अपनी आईडी बनाने के बाद और न्यू पे क्लिक करना है तो यहां पे न्यू रेपिट्री आ जाएगी आपने इसका नाम देना है यहां पे मैं इसको नाम देता हूं वर्ड अंडरस्कोर क्लाउड बल्कि मैं इस तरीके से करता हूं वर्ड अंडरस्कोर क्लाउड अंडरस्कोर एप बाय बायार ठीक है तो मैंने जानबूझ के इसका नाम थोड़ा सा बड़ा लिखा है आप अपने तरीके से नाम लिख सकते हैं मैंने मैंने ये ये लिखा underscore 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 तो ये जो मैंने नाम लिखा है अपनी डिस्क्रिप्शन में जाके में जाके आपने बताना है कि ये किस चीज के लिए है। तो मैंने लिखा दिस रेपिट्री इज अबाउट एन एप्लीकेशन टू मेक अ वर्ड क्लाउड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट स्लैश एस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स आपने इसको पब्लिक बनाना एड रीडमी एड करें जरूर और साथ में लाइसेंस एड करना ना भूलें ताकि लोग ना यूज कर पाए तो क्रिएटिव कॉम्स का आप करें वर्जन जीरो भी कर सकते हैं या आप जीएन भी कर सकते हैं या MIT का license कर सकते हैं सो इट्स टू यू लाइसेंस आप यहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से लाइसेंसिस हैं रेपोजिटरी बनाने के बाद आपने क्रिएट रेपोजिट्री पे क्लिक करना है मतलब यहां से क्रिएट हो जाएगी सो so, हमने सिर्फ एक न्यू रेपोजिट्री बनाई है क्रिएट पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद एड फाइल्स पे जाना है और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है यानी कि हमने इस में आके ऐड फाइल्स पे जाना है और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका यह आप क्रिएट न्यू फाइल भी कर सकते हैं यहां पे एक नई फाइल ऐड करें इसका नाम कोई भी दे दें मैं ऐप डॉट पाई का नाम देता हूं और अपना सारा कोड उठा के इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं सिंपल ये मैंने जनाब इसको पेस्ट कर दिया और मैं कमिट चेंजेस कर देता हूं सो क्रिएट एप डॉट पाई ठीक है ये हमने क्रिएट की है मैं जनाब इसको सेव कर देता हूं तो ऐप डॉट पाई यहां पर आ गई अब आपको एक और फाइल चाहिए होती है जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी आप उस फाइल को कैसे बनाएंगे वर्ड क्लाउड के फोल्डर पे आए यहाँ पे लिखे रिक्वायरमेंट्स ये है कि मैंने कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज की हैं और उसके वर्जन कौन कौन से हैं ठीक है तो इसको बनाने के लिए आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से भी मैं यहाँ पे वापस आता हूं मैं यहां पे पूछता हूं इससे पूछता हूं हाउ कैन आई क्रिएट अ Specific to file requirements .txt file for app deployment. यानी के app deployment के लिए मैंने एक requirement .txt file बनानी है, वो कैसे बनाई जाए जो quick way है. So there are many quick ways to make this app. या तो आप सीधा नाम लिख लें, या आप specific versions उठा लें. या आप क्या करें देर आर मैनी अदर थिंग्स के आप सिंपली पिप रेक्स के नाम से एक लाइब्रेरी है मैं यहाँ पे उसका नाम बता देता हूँ पिप रिक्स ये लाइब्रेरी जो है आपको टी फाइल बनाने में हेल्प करती है पिप इंस्टॉल पिप रिक्वायरमेंट्स यानी कि ई क्यू एस आप इसको इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के बाद जहां पे आपका लिक्वेशन है वहां पे जाके इसको रन कर देते हैं प्रोजेक्ट लिक्वेशन पे जाके जा ठीक है सो ये ऑटोमेटिकली बना देती है एंड देन uh, आप डिफरेंट अदर भी इसकी जो चीजें हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं बट आई विल गो एंड डू द सेम थिंग जो यहां पे मैंशन है या मैं यहां पे कह देता हूं जनाब ये किस तरीके से बनानी है मैं यहां पे कहता हूँ हाउ टू मेक दिस यूजिंग चेक कीजिएगा ये मुझे बताएगा एक यूजफुल टूल है जनरेट रिक्वायरमेंट्स टी एक्स टी फाइल बनाने के लिए आप वो बताएगा कि आपने उस फोल्डर डायरेक्ट्री में जाना है।, आपने सिर्फ ये करना है।, बन जाएगी। ये है तो इसको हम यूटिलाईज करते हैं आप मैं वापिस जाता हूँ अपने कोड के अंदर यहाँ से मैं ऐप को बंद कर लेता हूँ पहले क्योंकि ऐप का कोड मैंने ले लिया मैं ऑलरेडी ऐप के अंदर हूँ तो पहले तो मैं रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी जो पानी फाइल है उसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको मसला ना हो कि ये तो पहले से पड़ी थी अब देखिएगा पिप इंस्टॉल पिप आर ई क्यू एस ये मेरे पास ऑलरेडी रेडी इंस्टॉल्ड है अगर आपके पास नहीं है तो आप कर लें ठीक है तो मैंने ऐसे ऐसे इंस्टॉल कर लिया अब मैं लिखता हूं पिप रिक्स और आई एम इनसाइड दैट फोल्डर जहां पे ये प्रोजेक्ट है स्पेस डॉट

यहां पे मैं लिख देता हूं रिक्वायरमेंट्स स्पेलिंग से याद रखने डॉट टी एक्स टी और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं इसको मैं कमिट कर देता हूं कंट्रोल एस करके ये मेरे पास आ गई एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी ये दो फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाली जो दो है ना इट्स अप टू यू ये अपडमी की फाइल का मतलब है आप यहां पे क्या करना चाहते हैं तो ये दो फाइल्स इंपॉर्टेंट है मैं दोनों को खोल के देखता हूँ चल रही है ये भी चल रही है और ये भी चल रही है ये तो हो गया पहला स्टेप कि आप अपनी फाइल्स को यहां पे अपलोड कर देते हैं ठीक है दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपलोड फाइल्स के थ्रू भी कर लें मतलब यहां पे ड्रैग कर दें वो दोनों फाइल्स लेकिन मैंने क्रिएट की हैं सो आई डोंट नीड टू डू दैट द चॉइस इज योर्स आप क्या करना चाहते हैं ठीक है सो so परेशान नहीं होना कि मैंने क्रिएट क्यों की है और आपको क्या करना है आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर ऑप्शन कि सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप चीजों को एक तरीके से लिख लें तो मैंने यहां पर रख लिया अब दूसरा काम हमारा क्या है इजी पीजी बहुत इजी है आपने स्ट्रीमलिट पे जाना है जाने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने गिटहब अकाउंट के साथ साइन इन कर लेना है तो मेरे पास ऑलरेडी साइन अप हुआ पड़ा है इसका आपने यहां से साइन इन करना है और गिटहब अकाउंट को अपने लैपटॉप uh, के साथ अपने जो गिट अकाउंट आपके पास पड़ा हुआ है उसको इसके साथ आपका गूगल या किसी और चीज का साइन so मैंने कल भी बताया था ठीक है और कैसे बनाना है साइन अप आप इनकी जाएंगे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे इट विल शो यू तरीके से आपने साइन पूरे का पूरा बनाना है सो फॉर मी आई एम ऑलरेडी लॉग इन तो इस वजह से दोबारा बार बार जो है आउट नहीं करना चाहता बिकॉज आई हैविंग सेकंड थिंग इनसाइड ये सिंपली वैसे ही है जैसे आप uh, एक फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं या सम अदर अकाउंट्स आप बनाते हैं अब यहां पे आके आपने न्यू ऐप पे क्लिक करना है ये न्यू ऐप है इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप उस गिटहब का यूआरएल उठाएं यानी कि यहां से ये वाला यूआरएल कॉपी करें कॉपी करने के बाद यहां पे या तो पेस्ट कर दें ठीक है या आप सेकंड काम ये करें ये हमारे पास यू आर एल आ गया से आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास वहां लिस्ट में आया होगा तो मैंने यू पे इसको पेस्ट कर दिया और जब आपने पेस्ट करना है डॉट गिट यहां से रिमूव कर देना है तो ये यू आर है बेसिकली जब आप इस पर क्लिक करेंगे वो यू आपके सामने आ जाएगा इसके बाद आपने क्या करना है मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है एवरीथिंग इज राइट समझ आ रही चीजों की ओके दैट्स गुड अगर आपको समझ आ रही है अब मैं यहाँ पे चेक कीजिएगा मैं यहाँ पे मेन ब्रांच ही रखता हूँ और मैंने जो डॉट पाई की फाइल का नाम रखा था ना मैं दोबारा जाके देखता हूँ उसमें वो नाम था एप डॉट पाई इसी वजह से हम बार बार ऐप डॉट पाई का नाम रखते हैं वो नाम रखा और मैंने यहाँ पे ये वाला मेरे पास ऐप यू आर एल अवेलेबल है इसके ऊपर मेरी ऐप जो है वो लाइव हो जाएगी ठीक है अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से कस्टम यू भी लगा सकता हूं ये जो डोमेन है वेब वर्ड क्लाउड ऐप बाय अमार ठीक है तो इस तरीके से डॉट स्ट्रीमलेट डॉट ऐप के ऊपर मेरी जो डोमेन है वो वहां पे चली जाएगी ये पूरी की पूरी फाइल मैं एडवांस सेकंड सेटिंग पे क्लिक करता हूं मेरे पास जो वर्जन है इस वक्त वो है थ्री तो मैं ऐसे यूज करूंगा अगर आप चाहें तो अपनी कीज वगैरह अगर आपका एपीआई टोकन या कुछ यूज करने आप यहां पे लिख सकते हैं तो वो किसी को नजर नहीं आएगा बट आई डोंट है सिर्फ थ्री पॉइंट अलेवन यहां से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी जो ऐप है मैंने थ्री पॉइंट अलेवन पे बनाई है बनाने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैं डिप्लॉय पे क्लिक करता हूं ले जनाब ये डिप्लॉय पे क्लिक करते ही आपकी ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली बेक होना स्टार्ट हो गई है बेक यूज किया गया है बेक ठीक है क्योंकि ओवन के अंदर है यानी कि आपकी ऐप आप तैयार हो रही है और इस पर थोड़ा टाइम लगता है जितनी ऐप बड़ी होती है उतना टाइम लगता है ठीक है सो so, आप देखेंगे अभी ये ऐप चलती है ऐप अभी भी चल रही है और इट विल टेक टाइम बाय द वे और ये टोटली फ्री है यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग अच्छा टोटली फ्री का मतलब ये भी है कि ये सोर्स कोड कोई भी देख सकता है सो so, थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है ठीक है तो इतना सा ट्रेड ऑफ तो चलता है यार कोई बात नहीं कोड के साडा है हमारा तो नहीं है ना कोड किसी का ही है कोई मसला नहीं है और आप यहाँ से क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप के अंदर देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है अगर गौर करें तो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं आपको एक छोटा सा पी दिया जा रहा है ऑनलाइन और उस पी के ऊपर आपकी ऐप डिप्लॉय हो रही है एंड देन जब ऐप डिप्लॉय हो जाएगी लो जनाब थोड़ी ऐप ऑनलाइन हो गई है दिस ऐप इज वर्किंग ऑनलाइन मैं लिंक आपके साथ शेयर करता हूं मुझे बताया किस किस के पास ये ऐप चल रही है अगर सभी के पास चल रही है इट वुड बी ग्रेट नहीं चल रही तो फिर भी मुझे बताइएगा जरा ऐप पे क्लिक करके देखें आपके पास ये ऐप चल रही है अगर ऐप चल रही है इस पर पीडीएफ कोई एक फाइल अपलोड करके देखें क्या वो उस पर काम भी हो रहा है ये मैंने एक अपलोड की अब ये मेरे पीसी पे नहीं चल रही है ऑनलाइन चल रही है So, इसकी स्पीड ऑनलाइन के हिसाब से।, से बनेगा आप कोई भी पीडीएफ फाइल इसमें अपलोड करके देखें कि ये काम कर रही है अगर कर रही है तो आपने भी ऐसे ही करना है आपकी फाइल चल पड़ेगी और अला किस्म की ऐप आपके सामने है। ये होती है जी वेब ऐप जो आप बना सकते हैं जारी बात है कभी कभी ये स्लो भी होगी कभी कभी तेज भी होगी मुफ्त का माल है भाई जितना भी, आए, खाएं भी है खाएं पिए ऐश करें समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे तो समझा नहीं तो नहीं समझा सो so, मुफ्त में इतना भी मिल जाए बड़ी बात होती है बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू डू सम एल्स विद दिस तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फ्री वाला रिसोर्स यूज करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं मैं आपको और भी रिसोर्सेज के नाम भी बता देता हूं रिसोर्सेज क्या करते हैं अच्छा जी ये तो थी ऐप जो आपके सामने बनाई अब मैं क्या करता हूं ये जो मेरे पास ऐप है ना इसके अंदर मैं एक ऐसा कोड डालने लगा जो मैंने ऐप पहले बनाई हुई है और उसको हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि प्रॉपर ऐप जो होती है वो कैसे होती है जिसपे मैंने टाइम लगाया हुआ है पहले से सिर्फ आपको वो देने के लिए कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर दिस थिंग मैंने इसको अपडेट किया कमिट चेंजेस इसको मैंने अपडेट किया एंड हम यहां पे आते हैं इसको री रन करते हैं लेट्स ये कितना टाइम लेती है अभी ये हमारे पास मॉड्यूल नॉट फाउंड मॉड्यूल फ्लॉ नॉट फाउंड मॉड्यूल फ्ला नॉट फाउंड ये एरर दे रही है तो मैं इसे स्टॉप करता हूं क्योंकि मैंने कोड अपडेट किया है मैं यहां पे क्लिक करता हूं डिलीट ऐप करता हूं क्योंकि ये जो मैंने अपलोड की थी यहां पे ऐप आई एम गोइंग टू डिलीट दिस क्योंकि मैं आपको एडवांस ऐप जो है वो डिप्लॉय करके दिखाता हूं और इससे आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऐप हमारी चलती है ठीक है जस्ट अ मिनट यहां से मैं डिलीट भी कर सकता हूं ऐप को तो कभी कभी अगर आपने ऐप आप डिलीट करनी हो आप इस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने डिलीट पे क्लिक किया डिलीटिंग <coughs> ऐप ये जनाब आपकी ऐप आप डिलीट हो गई ठीक है सो इजी टू डिलीट तो अब मैं यहाँ पे न्यू ऐप पे क्लिक करता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ से वर्ड क्लाउड ऐप ऐप. बाय ब्रांच मेन और यहां पे .py की जो फाइल है इसको लेते हैं और यहाँ पे वर्ड क्लाउड ऐप बाय एमआर इसको लेते हैं डिप्लॉयमेंट पे जाके थ्री पॉइंट इलेवन मैंने किया था सेव करते हैं डिप्लॉय करते हैं एंड माई अपडेटेड ऐप विल बी देयर आप रीबूट करके भी कर सकते हैं ठीक है देर आर रिसोर्सिस एज वेल एक है जी हिराकू के ऊपर आप अपना क्लाउड एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं ये भी एक रिसोर्स है आप पैसे देना चाहते हैं और आपकी ऐप आप बहुत स्ट्रांग है तो आप वहां से लिंक अप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे थर्ड वन इज जीसीपी यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आप इसके ऊपर भी अपनी एप्स को कर सकते हैं एक और यहाँ पे बताई जा रही है रीटाइप करके रीटाइप क्लाउड आई एम श्योर के यही होगा आई डिट इन यूज दिस तो अगर आप लिंक दे दें रिटाइप भी एक अच्छी रिसोर्स है रीटाइप खैर आई एम आई एम आई डिड इन यूज दिस वन रिटाइप ऐप डिप्लॉयमेंट अगर ये लिखें तो होपफुली हाँ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं आई यूज दिस बाय द वे सो मैंने ये यूज नहीं किया बट हिराको इज द बेस्ट वन यहाँ पे ये होता है कि अगर 30 मिनट के लिए कोई यूज ना ना करे तो आपकी ऐप आप जो है वो ऑफलाइन हो जाती है है ये फ्री में अगर आप पैसे देते हैं तो प्राइसिंग पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ऐप आप का पॉइंट पर आवर का लगता है प्रोडक्शन में इको या बेसिक है तो पॉइंट पर आवर यानी कि पांच डॉलर मैक्सिमम बनते हैं आपके पर मंथ ठीक है तो ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे हैं तो आप उनसे कर सकते हैं अदरवाइज एडवांस लेवल पे आप यहाँ पे अपनी ऐप को डिप्लॉय करके उसे यूज कर सकते हैं एंड आर मेनी अदर्स मेरे मुझे नहीं लगता कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के अलावा प्लेट कोई अच्छी है ऐप लेकिन स्ट्रीम लिट अगर फ्री में करना है और आप स्टूडेंट हैं एक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ठीक है तो आप स्ट्रीम लिट को यूज कर सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऐप डिप्लॉयमेंट एंड होपफुली ये मेरी ऐप जो है दोबारा से डिप्लॉय हो जाएगी figure is not defined कोई एरर आ रहा है उसमें hmm. there are some errors जो ऐप के अंदर आ रहे हैं शुडंट बी लाइक दैट मैंने ये चलाई थी ऐप मैं दोबारा से चेक करता हूँ जो मैंने ऐप बनाई थी मैं आपको वो दिखाता हूँ हूं cd resources words apps screen let run ये मैंने बनाई थी जी पहले ऐप आप, मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो मैंने एडवांस लेवल पे पहले से बना के रखी हुई है आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से एडिशनल की की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मैंने वो भी सिलेक्ट की और यहाँ पर मैंने जनरेट वर्ड क्लाउड बनाया पी की फॉर्म में या जेपेड की फॉर्म में आप वो बना सकते हैं एंड देन आप वर्ड काउंट टेबल यहाँ पे लेके आ सकते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे रखी थी ये आपके पास टेबल आ गया सेव एज बी पे क्लिक करते हैं आप और देन आफ्टर वर्ड्स इट विल शो यू द लिंक तो हाई क्वालिटी में ये लिंक आ जाएगा डाउनलोड टेबल भी आप सी में कर सकते हैं और मैंने एक और ऑप्शन दी थी लेफ्ट साइड पे आप यूट्यूब की वीडियो भी डाल सकते हैं लाइक like दिस तो मैंने बताया बकायदा बताया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सो ऑन so और फिर मैंने अपना जो लिंक है वो भी दिया है ई भी दिया हुआ है सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ नाइस ऐप ये बहुत जल्द मैंने तकरीबन एक डेढ़ घंटे में बनाई हुई है और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं बहरहाल अगर आप चैट में कोई जवाब दिया करें तो प्लीज कोई सोचा समझा दिया करें uh, मैं भी ऐसा बंदा हूँ आप यकीन करके बैठ जाता हूँ कि फ्लान चीज है बट री टाइप इज नथिंग खैर ये ऐप है जी आपके सामने आपको मिल गई होगी एंड इट माइट बी वर्किंग फॉर यू अगर आपके पास ये काम नहीं कर रही सो so आप इसको देख सकते हैं मैंने इस ऐप को बाय द वे बंद कर दिया है अभी मैं यहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सो दिस इज हाउ यू कैन रन योर ऐप अब अगली चीज की तरफ चलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गिट को कैसे यूज करते हैं इन साइड वी एस कोड गिट और गिट को क्या ख्याल है सीखना है कि नहीं वो गिट तो मैंने आपको बता दिया कि आप वहां पे जाके डिप्लॉय कर सकते हैं हिरोकू पे आप लोगों की असाइनमेंट है और कैसे डिप्लॉय करना है हिरोकू पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद आप यहां से देख सकते हैं हाउ टू डिप्लॉय एन आपने साइन अप करना है इसके लिए तीन से चार चीजें आपको चाहिए होती हैं एंड देन इट विल बी वर्किंग फॉर यू ठीक हो गया राइट right. किस किस को ऐप डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का पता चल गया हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया आई डिट कोड एनीथिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके हमने दो घंटे के अंदर अंदर प्रॉपर ऐप बना डाली और उसे अपलोड कर दिया ताकि लोग भी एक्सेस करें और अगर आपको लगता है कि दिस इज हाउ वी शुड वर्क तो एक लाइक तो बनता है लाइक लाइक सकते सकते हैं like लगा सकते हैं लगा नहीं लगा सकते हैं? चलो कोई बात नहीं डेढ़ घंटे के अंदर एक घंटा मिनट तकरीबन तो अगर मेरे जैसा बंदा बंद घंटा मिनट के अंदर यह काम कर सकता है और मेरे जैसे बहत्तर जुड़ जाए जैसे अभी इस वक्त सेवेंटी टू ऑनलाइन पड़े हुए हैं जो बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ एप डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज बना सकते हैं हो सकता है कभी कभार आप एक दिन भी लगाएं दो दिन भी लगाएं ऐप आपकी बन सकती है अगर आपको प्रॉपर वे में क्या चीज आती है दिस थिंग चैट जीपीटी आता है और चैट जीपीटी फोर जो है बहुत हैवी है मैंने क्लाउड को नहीं यूज किया इट शुड गिव मी द सेम कोड या सिमिलर या नियर टू सिमिलर कोड पोएक्सिटी भी है भी है, या similar, या भी है, भी है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी के पास चैट जीपीटी जीपी टी फोर या जीपीटी प्लस का अकाउंट नहीं है तो किसी फ्री लॉन्सर से परचेज कर लें और वो आपको दो हजार पर मंथ में मिल जाएगा इफ यू डोंट हैव एनी कनेक्शन जस्ट कॉन्टेक्ट मी तो मैं आपको जो है एक बंदे के साथ रहा करवा दूंगा कैन गिव यू दिए आपको इन्फो एट कोडेनिक्स डॉट कॉम पे ई मेल करना पड़ेगा इनफो एट कोडेनिक्स डॉट कॉम बाय द वे अगर आप कोडेनिक्स डॉट कॉम पे जाए तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने प्रॉपर ब्लॉग के अंदर ना प्रॉम्ट इंजीनियरिंग बड़ी निचोड़ के आपके सामने रख दी है और इस ब्लॉग का नाम है प्रोम्ड इंजीनियरिंग का पटाखा मास्टरिंग द क्राफ्ट इन दिस तो क्राफ्टिंग कैसे करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ये मैंने बड़ी डिटेल दिस इन सिक्स मिनट और आपको अंदाजा हो जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आसान है लोगों ने हवा बनाया हुआ है बट यू कैन लर्न एंड अर्न विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब अर्न कैसे करना है दैट इज अगर टॉपिक क्योंकि रिजक देने वाली जल्लाह तला की है मैं आपको बता सकता हूँ कि तरीका क्या है यहां से बनाए ऐप ऐप को करेंट डिप्लॉय ऑन स्ट्रीम लाइट उसकी फिर मार्केटिंग इतनी करनी स्टार्ट कर दें सोशल मीडिया के अकाउंट पे और आगे पीछे जहां पे लोग आपको जानते हैं जैसे आप उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे लोग आपसे पूछेंगे कैसे बनाई फिर वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे वो प्रॉब्लम्स पकड़े और उनको दें इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करेंगे ये ये मैंने ऐप ऐप बनाई बनाई है है वेब इसको यूटिलाइज करें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दें फिर उनको बोलें कि आप बताएं क्या फंक्शनैलिटी चाहिए एंड देन एड थिंग्स फाइवर अपवर्क पे जाए वहां पर इनको एज ए पोर्टफोलियो एड करें लोगों को वीडियो बना के बताएं ये ऐप क्या, क्या करती है फ्ला ऐप क्या करती है फ्ला ऐप क्या करती है इससे क्या होगा आपकी पब्लिकसिटी बढ़ेगी पब्लिसिटी जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ेगी एंड एट द एंड आपकी पीआर बढ़ेगी और जिस दिन आपकी पीआर बढ़ गई अच्छे तरीके से बिलीव मी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप अर्निंग भी कर पाएंगे और आप अच्छे तरीके से कमा भी पाएंगे जारी बात है इट्स नॉट इजी टास्क लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है ना तो ये ऐप है जी मेरे पास और इस ऐप से आप कमा भी सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट अब स्ट्रीमलीट पे ऐप बनाई आप कहते हैं क्या यहां पे कोई और टूल नहीं है अवेलेबल जिनसे हम ऐप बना सकें बिल्कुल है अब मैं यहां पे लिखता हूं यहां पे लिखता हूं एनलिस्ट द टूल्स टू मेक वेब एप्लीकेशन एंड डैशबोर्ड्स इन पाइथॉन सी आपके पास काफी टूल्स हैं वेब एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क हैं। एक का नाम है जेंगो एक का नाम है फ्लास्क

प्रॉपर तरीके से इनकी डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं बिलीव मी अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं आर मेनी बिग प्लेयर्स आउट जो जेंगो को यूज करके आगे इस्तेमाल करके आगे एप्स बनाते हैं नहीं करनी फ्लास्क पे चले जाएं। फ्लास्क जो है ये तेज है थोड़ी सी जेंगो से और लेकिन इसमें फीचर्स कम है जेंगो टॉप नॉच की है इंडस्ट्रियल लेवल की फ्लास्क भी फिर फास्ट एपीआई के नाम से एक फ्रेमवर्क है आप इसको भी यूज कर सकते हैं एंड इफ यू प्रैक्टिस दिस थ्री फ्रेमवर्क इनशाला आप अच्छे तरीके से वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की इंडस्ट्री में जंप इन कर पाएंगे बिलीव मी अगर आपको ये तीन चार चीजें आ जाती हैं देन मोस्ट प्रोबेबली आप इनको यूज करते हुए डिफरेंट किस्म की एप्स भी बना सकते हैं वेब वेब एप्लीकेशन के टूल्स भी बना सकते हैं और अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं ठीक है ओके नाउ इज द क्वेश्चन अगर आप लोग कहेंगे देन वी कैन स्टार्ट अ काइंड ऑफ सीरीज ऑन जेंगो या फ्लास्क या फास्ट एपीआई एंड एट द ऑफ दिस ईयर वरना आप लोगों को अगर नहीं पता तो हमारा एक रेडी आपको मैं लिंक भेजता हूं वहां पे एक हमने जॉब रेडी कोर्स का ये वाले लिंक पे अगर आप जाए चलो लिंक ही गायब हो गया लिंक ही नहीं आ रहा वो ठीक है तो so, वो लिंक नहीं आ रहा तो मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड देन वी विल सी कि किस भाव क्या बिक रहा है दिस कोर्स इज ऑनलाइन और ये कोर्स 150 समथिंग डॉलर पर मंथ नॉट पर मंथ टोटल था तो इसको मैंने रिड्यूस करके इसकी प्राइस 25 डॉलर कर दी विच इज अराउंड एट एट थाउजेंड पाकिस्तानी रुपीस, और यहाँ पे आप uh, इस कोर्स को आज या कल तकरीबन बारह बजे के दरमियान दरमियान परचेज कर सकते हैं अगर आप जाएंगे इस लिंक के ऊपर या आप इनबॉक्स करें इन्फो एट डॉट कॉम जो आपको यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है कॉन्टेक्ट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ईमेल दिया होगा वहां पे आप हमारे से रबता कर सकते हैं इन्फो एट डॉट कॉम ये ईमेल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे So, info at .com के आप हमें कर सकते हैं course, जिसकी प्राइस करके $25 हुई है। सिर्फ इसलिए आप पढ़ सकें और है क्या इस कोर्स में अगर आप इस पे क्लिक करें ये, सारे ये सब कुछ इस कोर्स में पढ़ाया गया है एक सौ बीस दिन का कोर्स है ये इवन मोर देन दैट और ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं इसके अंदर बड़ी डिटेल में वीडियो हैं सारे के सारे और आपको एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की जॉब जूनियर लेवल की मिल सकती है That's it. और अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो आप फाइबर पे जाके आप डॉक्टर अमार जो मेरा नाम है भाई दबे उनको सर्च करें और वहाँ पे सर्च करने के बाद आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कोर्स है अवेलेबल है ठीक है लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहें गो हेड एंड ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी अदरवाइज ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा आफ्टर टमोरो रीजन क्या है ये जो ट्वेंटी फाइव डॉलर है ये हम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हो सकता है कि हम इसी पैसे को यूटिलाइज करके फाइबर्स पे फाइवर पे तीन चार आईडीज ऐसे बनाएं जो फ्यूचर में हमें अंग्रेज क्लाइंट लेने के लिए हेल्प करें और वो हम पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनके अंदर टास्क डिवाइड करके उनको कमाई का एक जरिया बन जाए सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं सर कमाना कैसे है दैट्स हाउ यू कैन अर्न ठीक हो गया जी कोनैनिकॉट कॉम पे आप जा सकते हैं वहाँ पे हमारा न्यूज लेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट हमारी अंडर डेवलपमेंट है वी वी आर स्टिल डेवलपिंग दिस एंड एंड एट द कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम गिटहब को देखने वाले हैं अगर आप तैयार हैं तो